नवरात्रि और दशहरा के बाद अब धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिवाली के दौरान कई बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा शामिल है। हिंदू धर्म में ये सभी शुभ माने जाते हैं और खास होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस की, जानेंगे कि आखिर धनतेरस क्यों खास होता है, इस दिन कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस साल धनतेरस का क्या शुभ मुहूर्त है और इस दौरान क्या खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस धनतेरस जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पूरी जानकारी के लिए हमने देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की है। तो सबसे पहले हम आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि धनतेरस की क्या तारीख है। जानकारी के लिए बता देते हैं कि धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस साल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर सुबह 8:31 पर होगी। इसका समापन अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को सुबह 7:18 पर होगा। धनतेरस पर माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। जय बाबा विद्यनाथ, हर हर महादेव। धनतेरस जो है या धन त्रयोदशी कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष की द्वादशी उपरांत त्रयोदशी को मनाया जाता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन करने की बात नहीं है। 29 अक्टूबर मंगलवार को धनवंतरी यानी धन त्रयोदशी, जिसको धनतेरस कहते हैं, उस दिन मनाया जाएगा। और उसी दिन जम का दीप भी जलेगा। दिवाली के ठीक दो दिन पहले यह होता है। उस दिन जम का दीप भी जलेगा और 29 अक्टूबर मंगलवार को धन त्रयोदशी का, धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। दूसरे दिन 30 तारीख जो है धनवंतरी जयंती है, उस दिन धनतेरस नहीं मनाया जाएगा। 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस क्यों खास होता है, अब हम आपको ये बता देते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि किसी व्यापार को शुरू करने के लिए धनतेरस का दिन सबसे खास होता है। साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। इस त्रयोदशी तिथि से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या करना सबसे शुभ होता है। धनतेरस पर बर्तन, सोना, चांदी, पीतल या किसी भी तरह का आभूषण खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन वाहन की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। आइए अब ये जानते हैं कि इस साल धनतेरस कैसे खास है। दरअसल साल 2024 में धनतेरस के दिन शिव वास के साथ प्रदोष व्रत भी है। इस दिन शुभ योग का निर्माण हो रहा है, ऐसे में ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि धनतेरस के दिन किस समय खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, जान लीजिए कि इस साल खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त 6:13 से लेकर 8:12 तक रहने वाला है। ऐसे में आप इस बीच किसी भी नए सामान की खरीदारी कर सकते हैं। तो इस धनतेरस माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा आराधना जरूर करें, सच्चे मन से उन्हें याद करें, इससे आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी। अगर आप धनतेरस से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकलिटी।